हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए R15 V3 BS6 का डिटेल रिव्यू लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जो ये बाइक है ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में आती है। इस बाइक की जो आपको लुक्स मिलती हैं वो बहुत अच्छी लुक मिलती है इस बाइक की हमें। इस बाइक में जो हमें इंजन मिलता है उसकी मैक्स पावर है 18.37 BHP एट द रेट 10,000 RPM। मतलब कि ये 10,000 RPM पे अपनी फुल 18.37 BHP जनरेट करती है। मैक्स टॉर्क जो ये निकाल के देती है वो है 14.1 Nm एट द रेट 8,500 RPM। एमिशन है इसका BS6, जो इंजन CC हमें इसमें मिलती है वो है 155 CC। वन सिलेंडर इंजन है इसका। इसमें हमें 4 वॉल मिलती हैं। ट्रांसिस्टर कंट्रोल्ड इग्निशन यामाहा इसमें देती है हमें। इसमें हमें इंजन कूलिंग में लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन मिलता है और इसमें 6-स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है। मतलब कि हमें इसमें 6 गियर मिलते हैं। चेन ड्राइव का सिस्टम हमें इसमें मिलता है जो कि आपको अच्छा टॉर्क और अच्छी पावर निकालने में मदद करती है। जो क्लच मिलता है वो वेट मल्टीपल डिस्क वाला क्लच है, मतलब कि बहुत सॉफ्ट क्लच में इसमें हमें मिलता है। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम जो पहले BS4 आती थी उसमें कार्बोरेटर टाइप था, जो अब BS6 आ गई उसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दे दिया, जिससे इसकी माइलेज और भी बढ़ी है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें हमें 11 लीटर की मिलती है। एक बार आप इसको फुल टैंक करा लोगे तो कंपनी 473 किलोमीटर का माइलेज क्लेम करती है। मतलब कि ये आपको 1 लीटर में 43 km/h का माइलेज देगी। टॉप स्पीड कंपनी तो अभी कुछ क्लेम कर नहीं रही है, लेकिन जिन ओनर की ये बाइक है उन्होंने इसकी टॉप स्पीड 150 निकाल रखी है, जो कि बहुत बेहतरीन है। 220 सेगमेंट में भी बहुत कम बाइक टॉप स्पीड गेन कर पाती है 150 तक की। फ्रंट ब्रेकिंग की अगर बात करें तो इसमें हमें ड्यूअल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट में डिस्क मिलती है और रियर में भी डिस्क मिलती है, इसमें ड्यूअल चैनल ABS हमें मिल जाता है। फ्रंट ब्रेक साइज़ है इसमें, डिस्क साइज 282 mm, मतलब कि बहुत बड़ी डिस्क है। साइज़ है जो इसमें हमें रियर डिस्क साइज़ मिलता है वो है 220 mm का। जो ब्रेक कैलिपर साइज़ है इसमें वो हमें ड्यूअल पिस्टन मिलते हैं। अब बात करते हैं फ्रंट व्हील साइज़ की। फ्रंट व्हील इसमें हमें 17 inches का मिलता है और जो रियर व्हील है वो भी हमें 17 inches का ही मिलता है। फ्रंट टायर साइज इसमें हमें 100/80 साइज के मिलते हैं। फ्रंट टायर ट्यूबलेस है इसमें और रियर भी ट्यूबलेस है। जो रियर टायर है वो हमें काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड मिल जाता है, 140/70 सेक्शन का टायर हमें मिलता है। दोनों ही टायर इसमें हमें ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और दोनों ही टायर हमें रेडियल टायर भी मिलते हैं। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात करें तो हमें टेलीस्कोपिक फोर्क सस्पेंशन मिलते हैं, जो आपको बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल प्रोवाइड करते हैं। ब्रेकिंग के टाइम पे भी आपको ज़्यादा झटका महसूस नहीं होगा। रियर सस्पेंशन की बात करें तो हमें मोनोक्रॉस लिंक सस्पेंशन मिलता है इसमें, जो कि अंडर चेसिस के एस्टेब्लिश कर रखा है कंपनी ने। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बाइक की डायमेंशंस की। जो टोटल वेट है इसका कर्ब वेट वो मिलता है 142 kg। ओवरऑल लेंथ है इसकी वो है 1990 mm, मतलब कि काफ़ी लंबी बाइक है ये। जो ओवरऑल विड्थ है वो मिलती है हमें 725 mm, जो कि काफ़ी मतलब चौड़ी बाइक है, काफ़ी अच्छा लुक इसको देती है। जो इस बाइक की हाइट है वो है 1135 mm और व्हील बेस है वो है 1325 mm, जो कि अगर आपका व्हील बेस ज़्यादा हो तो
तो आपकी बाइक कभी स्किट होने में भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप इसको लीन करो तो भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसके स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर में भी इसमें काफ़ी क्लासी दे रखा है, मतलब फुल स्पोर्टिनेस इसमें हमें मिलती है, फुल स्पोर्टिनेस इसमें हमें मिलती है। जो इसमें हमें फ्यूल गोज मिलता है वो भी कंपनी इसमें हमें डिजिटल प्रोवाइड करती है, और डिजिटल ही इसमें हमें टैकोमीटर मिलता है। इसमें हमें स्टैंड अलार्म और स्टेप्ड सीट का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि एक अच्छा फीचर है। नंबर ऑफ ट्रिप मीटर इसमें दो हैं, जो कि आपको लंबी लंबी ट्रिपों पे काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसमें हमें टाइम का भी पता चलता है, कितना क्या टाइम हो रखा है, कितनी क्या एवरेज दे रही बाइक। इसमें आप देख ही रहे कि एवरेज अभी बाइक 46.2 की दे रही है। इसमें हमें डिजिटल ही ऑडोमीटर मिलता है। इसमें हमें लो फ्यूल इंडिकेटर भी मिलता है और लो ऑयल इंडिकेटर भी मिलता है। एक और चीज़ है, इसमें हमें न्यूट्रल की लाइट भी मिलती है, और यहाँ पर आपको ABS की लाइट भी दिख रही होगी। इसमें ABS मिलता है हमें, और जो ये इधर लाइट दिख रही है आपको, लाइट है नहीं अभी, ये स्टार्ट अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो अभी लाइट ब्लिंक हो रही है ये इसकी RPM की लाइट है, मतलब कि जो ये लाइट जो अभी ब्लिंक हुई है ये इसकी शिफ्ट लाइट है, मतलब जब RPM ज़्यादा हो जाता है तो ये शिफ्ट का गियर शिफ्ट करने के लिए बताती है बाइक। स्विचेस क्वालिटी की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्विच प्रोवाइड करती है यामाहा, जो कि आपको कभी प्रॉब्लम प्रोवाइड नहीं करेंगे। राइट हैंड साइड स्विचेस की बात करें तो हमें एंजल कील स्विच मिलता है, और जैसे कि ये BS6 है तो इसमें हमें लाइट ऑन ऑफ का नहीं मिलता स्विच। इंजन स्टार्ट का भी स्विच इधर ही मिलता है हमें। फ्रेंड्स जो इसमें हमें फ्रंट DRL का और जो फ्रंट हेडलैम्प का जो ऑप्शन मिलता है वो भी LED है, जो कि इसको दूर से काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करते हैं। टेल लैम्प की अगर बात करें तो वो भी हमें LED मिलती है। जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर हैं वो हमें इसमें हैलोजन टाइप मिलते हैं, काफ़ी स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है ये बाइक हमें, काफ़ी आई कैची बाइक है। आप अगर इसको परचेज करते हैं तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, काफ़ी अच्छे बजट में आपको ये बाइक मिल जाएगी। 150 cc सेगमेंट में मेरे हिसाब से तो शायद ही आपको ऐसी कोई बाइक मिलेगी जो आपको 150 cc में 150 की स्पीड और 47 की माइलेज दे। तो भाइयों बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये बाइक। तो फ्रेंड्स यही कुछ था आज के वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो R15 V3 तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को भी हिट ज़रूर करें। मैं एक स्पेशल थैंक भी देना चाहूँगा जिन ओनर की ये बाइक है, उन्होंने हमें ये बाइक प्रोवाइड करी, वो हमारे प्यारे भैया हैं विजय पारचा। तो उनका भी यूट्यूब चैनल है, आप जाकर देखें वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी राइडिंग की वीडियो, व्लॉगिंग की सारे बहुत अच्छी अच्छी कंपेरिजन की वीडियो वो बनाते हैं। तो थैंक यू भैया आपने बाइक प्रोवाइड कराई। अब एक बार इसकी एग्जॉस्ट साउंड और सुना देते हैं। तो भाइयों बहुत ही स्पोर्टी बाइक है, आपको ज़रूर जाना चाहिए इस बाइक की तरफ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।